है ही। सो व्हाट्सअप गाइज, यार मेरा नाम है बंटी और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सैमसंग के किसी भी डिवाइस में अगर गूगल की जो विडजेट होती है, गूगल की सर्च बार होती है, वो अगर होम स्क्रीन से गायब हो जाए, रिमूव हो जाए, हट जाए, तो उसे दोबारा कैसे अपनी होम स्क्रीन पर ला सकते हैं। तो दोस्तों, उसके लिए हमें सबसे पहले जाना होगा प्ले स्टोर में और प्ले स्टोर पर जाके सर्च करना होगा गूगल। तो दोस्तों यार, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ऐसे ही लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए। तो दोस्तों देखिए, अगर आपका गूगल ओपन लिख के आ रहा है तो सही है, और अगर आपको यहाँ पे इंस्टॉल करने के लिए आ रहा है तो आपको पहले गूगल को इंस्टॉल कर लेना है, क्योंकि कई बार जब गूगल हमारा अनइंस्टॉल हो जाता है तो गूगल की जो विडजेट होती है सर्च बार, वो अपने आप होम स्क्रीन से हट जाती है। अब दोस्तों उसके बाद क्या करना है, जो हमारी होम स्क्रीन है जहाँ से हमारा गूगल गायब हुआ है, ठीक है, तो वहाँ पर हमें दबा के रखना है, ठीक है। दबाएंगे तो ऐसा कुछ ऑप्शन खुलेगा। तो दोस्तों नीचे आपको चार ऑप्शन दिखेंगे, वहाँ पे आपको विडजेट का ऑप्शन दिखाई देगा, ठीक है। तो विडजेट के ऑप्शन में दोस्तों आपको गूगल ढूंढना है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे विडजेट दिखाई जा रही है और उनके नाम लिखे हुए हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए गूगल की भी एक विडजेट है ये रही, ठीक है। तो देखिए मैं इसको दबा देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे आपको एक सर्च बार दिख रही होगी, तो इस सर्च बार को दबा के रखना है और होम स्क्रीन पे लेके आ जाना है, ठीक है। अब उसके बाद में अगर इसको हमें बड़ा करना है सर्च बार को, तो इस तरीके से हम इसको बड़ा भी कर सकते हैं और होम स्क्रीन पर लगा सकते हैं। तो यार वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।